वेलकम टू ईशानी वीडियोस। नागिन सीजन 5 के आज के आने वाले खतरनाक एपिसोड में क्या होगा जब 10,000 साल बाद में मिलेंगी नागेश्वरी को उसकी इच्छाधारी शक्तियां। वहीं दूसरी तरफ आकेश की तरफ से नागेश्वरी के प्यार और नागमणि को चुराने की कोशिश की जाने वाली है। कैसे यहां पर नागेश्वरी अपने नागमणि और अपने प्यार को बचाएगी और क्या होगा जब यहां पर आकेश का दिल आ जाएगा नागेश्वरी के ऊपर, तो आज के आने वाले एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा, तो चलिए सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके ऐसे रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबा देना। आज के आने वाले खतरनाक एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि वृंदा को कहानी सुना रही होगी नागेश्वरी, और उसके बाद में नागेश्वरी ये बताती है कि 10,000 साल पहले एक समय ऐसा था जब यहां पर सतयुग का वक्त चल रहा था और तभी यहां पर सबसे बड़ी मुसीबत आकर सामने खड़ी गई थी। नाग और नागिनों को वरदान नहीं मिला था इच्छाधारी बनने का, लेकिन उससे पहले यहां पर चील वंश को मिल चुका था इच्छाधारी रूप धारण करने के लिए, और इसी का फायदा उठाते हुए आ रहे थे चील के वंशज। लेकिन तभी यहां पर एक सबसे बड़ा आप सबके सामने मोड़ आएगा। आपको देखने को मिलेगा कि आखिर में चील के वंशज ने एक ऐसा प्लान बनाया है कि नागमणि को चुराया जाए, और उनकी यहां पर नागमणि पे काफी ज्यादा दिनों से नजर थी। उनका प्लान यहां पर रहता है कि नागमणि यहां पर सबसे पहले मंदिर के अंदर जाके चुराया जाए, और इसी के बीच में यहां पर नागमणि को चुराने के लिए कई सारे लोग पहुंचते भी हैं लेकिन वो नाकामयाब होते हैं। और उसी के बाद में जब यहां पर जो नाग और नागिन पूजा कर रहे थे जिन्होंने रक्षा की थी नागमणि का, उनमें से सबसे पहले एक नागिन को वरदान मिलता है भगवान शिव की तरफ से कि वो इच्छाधारी रूप रख सके। वो कोई और नहीं, यहां पर होती है नागेश्वरी, और इसी वजह से वो सबसे पहली नागिन बनी है जिसको यहां पर वरदान मिला है इच्छाधारी बनने का। और इसी जैसे यहां पर नागेश्वरी को कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन, क्योंकि वो सबसे पहले नागिन थी जिसको वरदान मिला था इच्छाधारी रूप रखने का। और उसके बाद में कहानी में एंट्री होती है आकेश की, यानी सबसे बड़े विलन की, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि एक चील के तौर पर नजर आने वाले हैं। एंट्री होगी और एक धमाकेदार गाने के साथ में होगी, और यहां पर आपको एक अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा धीरज धूपर का, यानी यहां पर आकेश के तौर पर वो नजर आएंगे। अब कहानी में इनके लिए यहां पर सबसे बड़ा मोड़ तो तब आएगा जब आकेश के ऊपर काफी ज्यादा ग्रहण, यानी उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी विपदा आने की संभावना होगी, जिसके वजह से उसके पिताजी उसको बाहर निकलने से मना कर देंगे। लेकिन यहां पर उसको कहीं से खबर सुनाई देगी कि उसके चील के पूरी तरह से वंशज को, कई सारे लोगों को मार दिया गया है। ये सुनते ही आकेश को अब बाहर जाना ही पड़ता है, और उसके बाद में वो बाहर निकल जाता है सारी बातों को भुलाकर। लेकिन उसके पिताजी को रोका इसलिए गया था कि आकेश को बाहर मत जाने दे क्योंकि उसके ऊपर विपदा आने वाली थी एक बहुत बड़ी, वो भी इंसानी रूप में। अब इंसानी रूप में कोई और नहीं, नागेश्वरी उसके सामने विपदा बनकर आने वाली है। अब आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आकेश और उसके बाद में नागेश्वरी और हृदय को देखता है। आकेश देखते ही नागेश्वरी को काफी ज्यादा उसके ख्यालों में खो जाता है, और उसके बाद में यहां पर नागमणि और नागेश्वरी दोनों को हथियाने की बात सोचते रहता है। तो आने वाले एपिसोड में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये थे आने वाले एपिसोड की कहानी, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें।